हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में। जनरली जो मेथड होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लगभग चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले जो तीन क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और बाकी जो चौथा क्वेश्चन है वो यूजीसी सीएसआईआर नेट में पूछा गया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन जो मैंने ली है वो है अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व वाई टू प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर टू सेक एन एक्स। इसी प्रकार से वाई टू प्लस फोर वाई स्क्वायर टू सेक टू एक्स और तीसरा है वाई टू प्लस नाइन वाई स्क्वायर टू सेक थ्री एक्स। तो पहला तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वाई टू प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर टू सेक एन एक्स। तो जब भी हमें इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन निकालना चाहता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालने के लिए हमें इस क्यू को जो यहाँ के आर के टर्म के रूप में है उसे जीरो बनाना होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई टू प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जीरो, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं डी टू वाई प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जीरो, बिकॉज वाई टू का मतलब होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स का मतलब डी होता है कैपिटल डी। तो यहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि डी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस एन आई। तो सी एफ हमारे पास हो जाएगा सी वन कॉस एन एक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स। ये जो कॉस एन एक्स है ये साइन एन एक्स है, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इसे यू और इसे वी मानना पड़ता है। यू वी आपका सी एफ डिसाइड कर देता है कि आपको यू वी क्या मानने हैं, बिकॉज यू वी क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखा मैंने बोला था यू हमें मानना पड़ेगा कॉस एक्स, वी हमें मानना पड़ेगा साइन एक्स। रॉन्ग किसके अकॉर्डिंग हमारे पास डब्ल्यू मानना होगा। एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपको रॉन्ग किस चाहिए होता है। रॉन्ग किस में क्या होगा यू यहाँ भी यू वन और यहाँ वी वन। वन का मतलब यहाँ डेरिवेशन है डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस एन साइन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एन कॉस एन एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन। तो हमें जो तो ये मिला, अब हमें चाहिए होगा इक्वेशन जो हम दे रखी है उसका पी आई। तो पी आई निकालने के हमारे हमें चाहिए होता है यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स। हमें एफ एक्स और जी एक्स कैलकुलेट करने हैं, यू और वी तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। एफ एक्स बराबर क्या होता है माइनस वी आर अपॉन ओमेगा डी एक्स। ओमेगा रॉन्ग किस जो हम निकाल चुके हैं, v हमने माना था साइन एन एक्स, आर हमारे पास था सेक एन एक्स, डब्ल्यू भी हमने निकाला था n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉस सेक का मतलब होता है अपॉन में कॉस, साइन बट्टा कॉस यानी कि टेन और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर आपको मिल जाएगा टेन एक्स का लॉग कॉस एक्स और लॉग कॉस एन एक्स एन एक्स का अपॉन में n। तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर इज लॉग कॉस एन एक्स। इक्वेशन सिक्स मान लीजिए, ये तो हमें एफ एक्स मिला, अब हमें निकालना होगा जी एक्स। तो जी एक्स के लिए यह फॉर्मूला होता है यू आर अपॉन डब्ल्यू जी एक्स, इसमें माइनस नहीं होता। अब यू की वैल्यू कॉस एन एक्स, आर की वैल्यू सेक एन एक्स अपॉन एन, डब्ल्यू की वैल्यू डी एक्स। कॉस और सेक का मतलब होता है सेक का मतलब वन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका बचेगा वहाँ यहाँ से वन अपॉन एन, यहाँ तो सारा वन डी एक्स, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो पी आई था वो यू एफ एक्स यू कॉस एन एक्स फंक्शन एक्स जो अभी हमने निकाला था वो हमने पुट कर दिया प्लस वी साइन एन एक्स और जी एक्स एक्स अपॉन एन। तो ये तो पी आई है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा वाई स्क्वायर टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपका सी एफ है और ये आपका पूरा पी आई। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने माँ वैल्यूज पुट कर दिए। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हमें जो निकालना था, इक्वेशन सेकंड नंबर में निकालना था वाई टू फोर वाई सेक टू एक्स। तो देखिए हमारा हमने जो पहला क्वेश्चन निकाला वो एन में था और यहाँ एन की जगह पर कितना है टू है, बिकॉज यहाँ तो एन स्क्वायर होता है ना और यहाँ एन था, एन के प्लस पर टू है तो ऊपर वाले रिजल्ट में एन के प्लस पर टू रख दीजिए तो आपका दूसरा आंसर मिल जाएगा और ऊपर वाले रिजल्ट में एन के प्लस पर थ्री रख दीजिए तो आपका तीसरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यू जी सी ने सी एस आई नेट पर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहती है, और ये क्वेश्चन 2013 में आया था सेक्शन बी में दिसंबर में,
क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेयर एफ इज कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेयर ए बी सी एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्चुअली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है और हमें फिर बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको जनरली हमें आसान नहीं पड़ेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, y2 मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू fx, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y2 प्लस py1 प्लस qy इज इक्वल टू 0, यानी r के प्लेस पे हमारे पास क्या है, फंक्शन x है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। नेक्स्ट हमें निकालना होता है cf, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वाले टर्म को 0 मान लेते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई, यानी डी की के प्लेस पे एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के तहत हमें जो m की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी प्लस माइनस i, और i में होने पर आपका जो cf होता है वो cos sin में आता है, cos x प्लस sin x, a cos x प्लस b sin x, a और b कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये जो u हो जाएगा cos x और v क्या हो जाएगा sin x। नेक्स्ट स्टेप में आपको u भी लेट करने होते हैं, लेट कर लिया हमने, u इक्वल टू cos x, v इक्वल टू sin x और r इक्वल टू क्या, फंक्शन x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, रॉन्ग केस, w u v u1 v1 का मतलब डिफरेंशिएशन से cos x रख दिया u का मान, v का मान sin x रख दिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x इसको 1, यानी कि नॉन जीरो है, यानी कि रॉन्ग केस के टर्म्स में ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, जो हमें cf निकाल दिया था, अब हमें ज़रूरत पड़ती है pi की, और pi के लिए फॉर्मूला होता है u fx plus v gx, u और v हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें बस fx और gx निकालना है। तो देखिए fx क्या हो जाएगा, fx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस न्यू r अपॉन w dx, r की वैल्यू फंक्शन x, न्यू की u की वैल्यू sin x और w की वैल्यू 1, ft sin t dt आ गया, इसका कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसी के टर्म्स में, बिकॉज आंसर है तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। gx क्या होता है, वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, वी यानी कि cos x, r यानी कि फंक्शन x, w यानी कि 1, ये आ जाएगा 0 से x ft cos t dt के टर्म में निकाल दिया, हालांकि यहाँ x के टर्म में, इसे हम dt के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा pi हो जाएगा वो हो जाएगा u fx plus v gx, तो u की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस v की वैल्यू पुट करेंगे, gx की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। तो देखिए जब हम यहाँ से ft dt सब में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, सब में लिमिट आपके 0 टू x इंटीग्रेशन है, अंदर आ जाएगा sin x cos t minus cos x sin t, यानी कि sin a cos b minus cos a sin b, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा sin a minus b का। तो ये तो आपका pi निकल गया, तो आपका वो जनरल सॉल्यूशन y x इक्वल टू क्या था, cf plus pi, cf आपका क्या था, a cos x plus b sin x plus pi आपने क्या निकाला, 0 टू x ft sin x minus t dt। तो यानी कि अगर जब आप देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है आपका फर्स्ट, y x इक्वल टू ए एक्स कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस जीरो टू एक्स एफ टी साइन एक्स माइनस सी डी टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थैंक यू।